लोग ठग लाइफ करते हैं। हबीबी कम टू दुबई, बीबी कम टू धारचूला, या स्कॉर्पियो एन को भी ब्रो टैक्सी में चलाया जाता है, और क्लासिक स्कॉर्पियो उन सब को यही पढ़ने में तो मजा है। आते ही गिफ्ट मिल रहे, देखो भाई अच्छे लोग देखो इस दुनिया में, आते ही मेरे को इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट दे रहे, थैंक यू यार भाई। तब मैं काट दूंगा तुझे, ये बोल रहे हैं फालतू से, ये फालतू बातें जो ये लोग बोल रहे हैं वो सारी बातें काटी जाएगी। कोल्हापुरी में ग्रेवी डलेगी, ग्रेवी कोल्हापुरी में क्या डलता है बोल दो, ग्रेवी डलेगी। ये मैंने खरीदी थी यूनिक्लो से, मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था, एक पेंट इसके अंदर है, एक ही है ऐसा। अभी खरीद तो ली, लेकिन जो ये पहनने में अभी मेरी आफत आई है ना, दिमाग खराब हो गया भयंकर, इतना झाड़ होता रहा इसको पहनने में, मेरे को पता नहीं था, बट तब भी पहन ली, कैसी लग रही वो तो पता नहीं, बट ठीक है चलो, बारिशों के लिए तो नहीं है ये, खैर मेरे को इतना तो पता ही है। अभी अपना भाई आ रहा है, एक टी शर्टें भी सारी गंदी हो रही थी, सब धोने के लिए दिए, एक ये थी और एक ये ही है जो नया है, पैंट वेंट भी सब धोने दे रखी है। अभी जा रहे हैं हम जरा, पहले तो गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, देन उसके बाद डिसाइड करते कि कहाँ को निकलना है, किधर जाना है करके। क्या है इसमें, अच्छा नाड़ा भी दे रखा है। अब भी देखना तो बेल्ट की ज़रूरत ही क्या है फिर इसमें, देखो जरा एडन, मेरे को तो डर लग रहा है कि चलूंगा तो छीटे तो नहीं आएंगे कपड़ों में, मैंने तो पहली बार पहनी है, इतनी बैगी पैंट में कभी पहनता नहीं हूँ, लेकिन अच्छी लग रही है। ओहो ये आजकल हमारी नई पार्किंग, इसके पीछे की स्टोरी मैं बताऊंगा, ये घर उन्हीं का है, मतलब इन्हीं के घर के सामने लैंडस्लाइड हुई थी एक बार, और अभी भाई बाइक हटा रहा है, उसके बाद निकालते हैं। तेल नहीं है देख रहे हो, बिल्कुल इस काम ही हो रखा है, 43 का अभी तेल डला के आते हैं, बात बताऊंगा। लोग ठग लाइफ करते हैं, तो वो है ना हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू धारचूला, या स्कॉर्पियो एन को भी ब्रो टैक्सी में चलाया जाता है, और क्लासिक स्कॉर्पियो उन सब को, ठग लाइफ तो अपने धारचूला वाले जीते हैं भाई साहब। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना देखो सामने, एंड अभी हम दोनों भाई निकल रहे हैं कहीं मस्त सी जगह में, तो बढ़िया सा व्लॉग बनाते हैं आज। मॉर्निंग हार्ट कैफे से हो रही है आज हमारी, ये देखिए बारिश के बाद का व्यू, वाटरफॉल कहीं आ रही है, देखिए एक वो है नेपाल में बहुत आते हैं वाटरफॉल। अरे अपनी सुबह की पहली ब्लैक कॉफी, यहाँ अपने अदनान भाई, यहाँ मिलो, हेलो क्या हाल है, बढ़िया हिमांशु यहाँ है देखो हमारे साथ बैठे हुए, जरा अभी बातचीत चल रही कपड़े शपड़े, बहुत समय बाद काफी टाइम बाद आया, हाँ इस बार तो बहुत टाइम बाद आया हूँ, और समय तो ऐसा होता था कि टाइम टू टाइम महीने दो महीने में शक्ल दिखी जाती थी, इस बार तो साल इस बार साल भर बाद आया। और सामने देखो यार, आपको दिखाता हूँ, मेरे को हाँ ये देखो क्या ये मस्त वाटरफॉल है, नेपाल है ये सामने का जितना नेपाल है, एक और है वहाँ पे झरना दिखाता हूँ, ये रहा, और देख रहे हो 15 प्रो मैक्स का भाई, ये 5x जूम है, कितना तगड़ा है वो देखो भाई, 5x जूम में भी इतना सेक्सी आ रहा है क्या बताओ, और बताओ क्या हो रही, बढ़िया। और देखो हार्ट कैफे में नई नई ग्रेफिटी हो रही है, ये पेंटिंग है ना, अबे पहले मेरे को लगा था पोस्टर लगा रखे है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है यार, बढ़िया ग्रेफिटी हो रखी है देखो, ओम पर्वत का तो आदि कैलाश ओम पर्वत की भी यात्रा चल रही है, ये भी ग्रेफिटी इतनी बढ़िया, वो भी ग्रेफिटी है क्या पीछे, अच्छा ये भी, अबे मैं तो नहीं यार मैं सोच रहा हूँ पोस्टर ही है, बट ये ग्रेफिटी है, आप देखो काफी अच्छे बना रखे हैं ये देखो। हेलो हेलो क्या हाल है, बढ़िया। ये हमारे दादा हैं, इनसे भी मिल लो जरा, कौन सा ये वाला, अच्छा बना दिया लेकिन, हाँ ये तो वो है, खैर ये तो फोटोग्राफ्स मनीषदान ही खींची हुई है सारी, हमारा भी प्लान था आज कहीं जाने का, बट सुबह इतनी बारिश थी जा ही नहीं पाया, अभी देखो लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, शाम को चलिए फिर जिम साथ में ही, आज क्या है फिर आज तेरा, मेरा चेस्ट और बैक है, चेस्ट और बैक है ना, मेरा बैक बैक है सर, मेरा वो चल रहा है ना अभी, कितने में चल रहा है, क्या कैटेगरी में है वेट में अभी,
93 हो रहा है, कितना कट कर रहा है देखते हैं, 80 तक। मैं 92 था, मैं 85 में चलता हूँ। 92 हो गया था मेरा, 100 हो गया था तेरा। भाई यार मतलब पता हमारा है ऐसा यार, हमारा जेनेटिकली है, पता नहीं चलता हम दाब देते खाना। मेरा मैंने अगस्त में नापा वेट 92 था, मेरा दिमाग खुल गया, मैंने कहा भाई चल जिम वरना कुछ तो बीमार होगा। फिर उस समय डीप यूरिक एसिड डाला सीन हो गया, फिर उसके बाद जब जिम गया तो बढ़ा ना तेरा भी, बढ़ता रहा यार, मतलब मेरा तो सही हो गया, सारा पेट वेट गया अंदर, मसल गेन भी बढ़िया हो रखा है, 85 की कैटेगरी में आ गया। अब लेकिन मैंने सोच रहा था 70 से ये या 80 पेट दिखा दो, पेट दिखा दो, कितना बड़ा हो रहा है आजकल, तो बहुत बड़ा हो रहा है इनका पेट, बीच में सही हो रखे थे जब वर्कआउट करते थे, खुलना ही नहीं चाह रहा है वो। अब सांस मत रोकना, सांस नहीं रोकता भाई, ये इधर से साइड से ना भाई, उधर कम हो गया यार भाई, हां बहुत कम हो गया, मेरा अंदर चले गया लेकिन पूरा दिखाऊं भाई, यार देख सा हां वो तो मेरे खुद हो रहा है। सही यार, चलो जरा कॉफी वॉफी पीते हैं, बंद कर यार, नहीं करूंगा ना अब बंद, ये तो भाई फिर मैं इनको भी ले लूंगा व्लॉग में ऐसे करके, तू मेरे को लेगा तो सोच ले, अभी नहीं दिखाना ना बाबू व्लॉग में, देख लो गाइस इसकी बातचीत सुन लो, एक्सपोज हो चुके हैं अदनान, ऐसे पढ़ूंगा ना ये पढ़ने में तो मजा है, आते ही आते ही गिफ्ट मिल रहे, देखो भाई वाइल्ड क्राफ्ट, ओफो ट्रैकिंग शूज, ये गिफ्ट आया है मेरे को, अभी क्या तगड़े हैं बे, है ना बस। चलो ये भी खोलते, ये क्या है, चलो देखो इस दुनिया में आते ही मेरे को इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट दे रहे, थैंक यू यार भाई, लाओ फिर अभी दर्द हो तो क्या चेकिंग वेकिंग कहाँ कर रहे हो, डिग्गी में नहीं रखूँगा अपनी, पहनने के पाँव में पहनने के लिए होता है, डिग्गी के लिए होता है, हाँ तो डिग्गी में रखूंगा ना, साइज कितना सही है, सही है, यूके 7 है लेकिन ये 41 नहीं आता है मेरे को, ये कौन सा क्राफ्ट हुआ है, ये कौन सा क्राफ्ट, ये क्राफ्ट नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है। चलो अभी हम एक चीज और दिखाने वाले हैं, वैसे वो है कहाँ, वो चीज है, वो कहाँ चीज है, वो कहाँ चीज है, कहाँ है वो चीज जो हम दिखाने वाले, दिखाने वाले अभी हम व्लॉग में, वो कार वॉशिंग में, कार वॉशिंग में भाई कितना धुलाएगा, हद है यार, इतना तो खुद नहीं नहाते हो तुम जितना उसको नहाता, ये बताइए किसके तरह हो रखे आजकल, मेरे को पता लग रहा, बताऊं किसके तरह, अभी बताऊंगा रुक जा। भाई हो भाई ने नई गाड़ी ली है स्कॉर्पियो एन, ये देखो, और हाँ मैंने यहाँ हमारे हिमांशु रावल चला रहे गाड़ी, थोड़ा अभी कुछ टाइम पहले ही इनका हुआ है हाथ पक्का, एवन इज द सही चलाते अब तुम्हारी तो चला ही रहा था भाई, गड्ढा है तुम तो रिस्क में डाल लो मुझे, और रोड की हालत देखो, ये सिलापट गिरा थे हैं, सिलापट गिरा है कुछ, हाँ और ये खड़ी इनकी स्कॉर्पियो एन, जो ये कंजूस आदमी निकालने नहीं चाह रहे यहाँ पे से, ये देखो ये है ब्लैक कलर का, भी सेक्सी लग रही है, देख लो भाई आधी क्लास इसी में जाओगे, लग्जरी लग्जरी वेरियंट में, सब मैं काट दूंगा जो ये बोल रहे हैं फालतू चीजें, ये फालतू बातें जो ये लोग बोल रहे हैं वो सारी बातें काटी जाएगी, और आधा अधूरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा, बारिश हो रही है इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे, बट कल हमारा है प्लान, इन्होंने कहा तो है ड्रोन लेके जाएंगे करके, वो कहते ही रहते हैं जाएंगे नहीं, हो तो पता नहीं, अभी जरा पंप तक जाते हैं, में क्या पता चलेगा, और ये देखो हालत सच में, अरे रोड तो इस पंप बन रहा है भैया, अरे ये कह रहा हूँ आगे, ये तो मेरे को पता है यहाँ पंप बन रहा है, छिछी कीचड़ का पानी माथे में ही आया, सीट नीचे कर ले फिर, और यहाँ मिलो हमारे दादा से, क्या हाल है, बढ़िया, ये देखो ये क्या कह रहे थे भाई, तुम कुछ कह रहे थे यार, अब नहीं कहोगे ना तुम, लेके गए थे, ये देखो भाई यहाँ भी और क्या है,
पूरा लैंडस्लाइड। अरे इसकी वीडियो देखी थी यार मैंने, बड़ी भयंकर वीडियो थी इसने डाली थी यहाँ पे, उन्हें रहता है तो इतना भयंकर आया था उनके उसमें दिखा था ना वो सीसीटीवी कैमरे में, भाई साहब बहुत ही भयंकर आया था। ये तो सब जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, बीच में यहाँ भी हो रही थी ना इसमें, बारिश भी स्टार्ट हो गई। कर लो बात भैया, इनके साथ कराएंगे हम व्लॉग, इनके साथ बनेगा व्लॉग। ये देखो ऐसे तो है ये अड़ान टाइप, इनके साथ बनेगी व्लॉगिंग भैया, कंटेंट है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंटेंट। और मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे लिए तो फिर आजकल नई बात ही है, लेटिंग बोलते हैं भाई, प्लेन्स में नहीं रहता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आगने जा रहा हूँ क्या इतने सालों के लिए? लेटिंग में दिया है जगह रहने की। यार ये तो बहुत ही शर्मिंदा करते रहे यार, ये बकरा था तुम्हें ईद के लिए, ईद तो अब कहा आएगी, ईद अब आएगी यार, नया बकरा देख रहे हो क्या? बढ़िया है यार ये देख कलर ये देखो यहाँ भी आया था ये पूरा। अब मैं खाली शूट कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अब, ठीक है, अब तुम ज्यादा जलाओ मत, बारिश भी आ रही है। यस यस, और हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता, हिमांशु को भी नहीं पता है, बस चलते जा रहे हैं, थोड़ा चलते हैं आगे तक, फिर उसके बाद वापस कैफे। पूल खेलने चले तो कहाँ? नहीं यार बेकार है वो, मैं निकाल लगा यार उसका। कितना खेला था हमने यार इनके भाई की शादी में, पुलिस खेलने में, पुलिस खेलने में देखा भाई, मजा आ रहा था बहुत ही। तो गाइस यहाँ की रोडों का भी हालत देख सकते हो आप, देखो धारचूला की हर जगह की रोडों का हालत एक ही हो रखी है भाई, पूरी खराब बदतर वाली हालत है। बट कोई नहीं, चलो अभी दोनों भाई जा रहे हैं घर को वापस, तीन बजे के टाइम में मैं भी जिम जाऊंगा और आज इसको भी लेके जाऊंगा, थोड़ा बहुत वर्कआउट कराएंगे इसे। करेगा ना भाई, चलेगा ना, झूठ मत बोलना क्योंकि मैं तो ले जाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी घर चलते हैं, बढ़िया हम गाने वाने सुनते हैं थोड़ा। मैं मतलब जैसा प्लान करके आया था ना वैसा, यहाँ मौसम ने साथ नहीं दिया, बट एक दो दिन में कुछ अच्छा प्लान है तो वो प्लान भी थोड़ा अपना सक्सीड हो जाए तो बढ़िया बातचीत है, उसके लिए बातचीत तो हो गई है, एक दोस्त है उसको राजी करना है, वो राजी हो गया तो फिर हम तीन दोस्त बढ़िया करके निकलेंगे, क्यों, ज्यादा नहीं 100 किलोमीटर की राइड रहेगी लेकिन मजा बहुत आएगा मस्त तरीके से। लेट्स गो, घर को चलते हैं भाई। ये देख रहे हो जाम लगा गया, सामान उतारा जा रहा है गाड़ी से, अदे यार थोड़ा साइड लगा लो, पूरा आगे भी पीछे भी गाड़ी है, अटक गए हम लोग, अलग ही है यहाँ लोगों का, और गाड़ी आते जा रही पीछे से, मुझे यहाँ से मोड़ के उल्टा जाना है वैसे भी। बारिश रुक चुकी है और यही टाइम होता है घर में सबका मिलने का, मम्मी भी आ गई स्कूल से, अब खाना वाना खाते हैं ज़रा, पापा यहाँ रहे, चटनी बनाई है अभी अभी इन्होंने, और ये हमेशा अंडर शर्ट में ही क्यों रहते हैं पता नहीं। ये देखो और ये पीली वाली दाल मेरी फेवरेट दाल है, यहाँ पे दही का रायता टाइप का भी बना रखा है। तो चावल खाने लायक हो रही है, बनाई किसने? मम्मी ने बनाई है, हो ही नहीं सकता, ये काट दूंगा मैं, ये अब भी स्कूल से आई वो बेचारी, तोले संभाल ले अपना। हाँ गीला क्या कर रहा है फिर इतना ज्यादा बाथरूम? मम्मी दुआ मांग रही, दिखाता हूँ। अरे मिस्त्री, गुड गुड वेरी गुड, मेरे लिए मांगना, खूब पैसे कमाए अच्छे अच्छे और अच्छा नाम कमाए ऐसा करके, ठीक है। आ जाओ भैया अब आ जाओ, अपना करते हैं लंच, देन उसके बाद जाना है जिम, हिमांशु के साथ जाऊंगा जिम में आज, मस्त अपनी बैक की एक्सरसाइज है, बैक ट्रेन करेंगे, थोड़ी डेडलिफ्ट भी करेंगे, बट बढ़िया करके वर्कआउट करके आएंगे। थोड़ा मेरे को यहाँ पे जहब लगती है बट अपना दोस्त है साथ में तो हो जाता है, और माता से मिलो, हाय फू करोगे पहले? फू करो पहले, ये बताओ दाल किसने बनाई? अभी तेरे जैसा टेस्ट है वहाँ कसम, तो पापा ने बनाई है भाई, बहुत तगड़ी बनाई, मुझे लग रहा था झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चटनी अटनी सब कुछ बना रखी है, हैं? साथ ही तो आए, मैं बनाता हूँ। अच्छा साथ ही आए, मत कर रे कान मत कर, नुमन हाथ नहीं कबूतर घ खरगोश घ गमला घ गाड़ी चो चरका चो चतरी जो नो नल उन्हें चटक ना, उनको कोखोगो नहीं आया तो फट उसका वीडियो बंद कर दी।
भाई मेरे को तो आया नहीं, आया मेरे को पता है, लेकिन पापा को भी नहीं आया। पापा इतने चला गए सीधे, उसके बाद वीडियो बंद कर दिया और लेट गए। जिम में मिलते हैं, अगर जिम में व्लॉग कर पाया तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि आई डोंट नो नो यहाँ पे कौन कौन आता कौन नहीं। वहाँ तो अपना फैमिलियर चीज़ें सारी, वहाँ के लोग भी जितने जिम में आते सब जानते हैं, आपस में दोस्त हैं सभी लोग, तो वहाँ चिल रहता है। बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या सीन है, बट यहाँ तो अपना ही जगह है, बट बहुत सारे लोग आते जिम में यहाँ, मेल फीमेल सब आते, तो किसी को कैमरे से दिक्कत ना हो ना, सबसे बड़ी बात वो थी कि किसी और को इशू ना हो रहा हो, तो मैं बनाऊंगा। वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जिम के लिए जाते हैं, यहाँ मत देखो, तुम गाड़ी चलाओ, खाली उड़ेंगे दोनों। टाइम बाद स्कूटी में घूम के इतना मज़ा आ रहा है ना। मेन रोड ही आते हैं हमारी, देखो हम बियर इलाके में रहते हैं, बियर गिल्स आते हैं यहाँ। सही नहीं कह रहा हूँ। कैसा जाता है आज का वर्कआउट? इसका तो थोड़ा अलग चल रहा है, इसकी कुछ तो चल रही है। क्या चल रही, कह रहा था तू? है प्री वेट, प्री वेट। मेरे को तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बस हाँ ये अभी हेलो। सपना वर्कआउट हो चुका, डन। ये रहे हमारे वांशु भाई, आज था बैक, डेड लिफ्ट लगाई बढ़िया, ज़्यादा इसने लगाई 180 और मेरा था 150 तक, 160 में अभी भी अपना थोड़ा है ही, हाथ फिसल जा रहा है, बट जल्दी करेंगे उसको भी। अभी तो घर चलते हैं। चिकन आ रहा, चिकन रा रहा, किधर को जा रहा जी? ऑर्डर लेते हुए और इनको परेशान करने की पूरी कोशिश। हेलो, टॉप है नहीं गोप गिर। कोल्हापुरी में क्या डलता है? बोलते ग्रेवी डलेगी। ग्रेवी तो डलेगी, बिना ग्रेवी का कौन सा चिकन है? यहाँ तो सुनो भाई, ये देख लो, ये सुबह ही पता चलेगा वो तो। मीट अड़ी भाई, अड़ी भाई क्या हाल है? बढ़िया, मस्त मजे में। तो अभी अपना रूम चेंज हो चुका, आप लोग को पता ही है, जब भी मैं धार चुराता हूँ तो भाई और मैं साथ ही सोते हैं, तो आज भी वही है। आ चुके एडी भाई के कमरे में और यहाँ देखो हैंकर, इतना बड़ा वाईफाई, वाईफाई लगा लुगू के, लाइटें आइटें, तुमने तो बिल्कुल कमरे को चेंज ही कर दिया है अब जरा। हाँ यार, मैं पता है, मैं बताऊँ क्या पहाड़ होगा ना, सबसे बड़ा मेन इशू है कि सीलन मेरे कमरे में नीचे, पता है ऐसी अंदर वाले कमरे में यहाँ से वहां तक सीलन और नीचे चिप 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 चिपकाना पड़ेगा। इसमें कुछ ना कुछ पोस्टर टाइप के, जैसे हार्ट कैफे में नहीं बने वैसा टाइप का कुछ बना दिया। बाकी एक ही साइड से तो आती है, हमारे वहाँ भी तो है, हमारे वहाँ भी एक ही साइड में, पूरे अंदर बाहर दोनों कमरे में। तो चलो अभी जरा इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से कल, और कुछ दिनों में बढ़िया कॉन्टेंट शूट होने वाला है, मजा आने वाला है। चलिए फुल पावर के साथ, गुड नाइट, बाय बाय।